नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आज का ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं सौरभ, आज आपके लिए एक और नया हैंडसेट लाया हूँ, वो है Redmi Xperia Prime। आज हमारे पास में जो वेरिएंट है इसमें दो कलर ऑप्शंस आते हैं, पहला है डार्क ग्रे, दूसरा है गोल्ड। आज हमारे पास में जो कलर है वो है डार्क ग्रे। ये इसका साइड व्यू हो गया और ये इसका बैक व्यू जो हाईलाइटेड बड़े बड़े अक्षरों में किया हुआ है। ये है मेड इन इंडिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मॉडल नंबर है Redmi 3S। ड्यूल सिम, ड्यूल स्टैंड बाई, LTE मोड इसमें इनेबल है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि बहुत फास्ट है। डिस्प्ले जो है इसकी 5 इंच की HD डिस्प्ले है 720 पिक्सल्स के साथ में। कैमरा इसका जो रेयर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा सेल्फी लेने के लिए 5 मेगापिक्सल दिया हुआ है। बैटरी इसकी 4000 से 4100 mAh की है, तो आपके एक दिन पूरा चलेगी। बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। MIUI 7 है इसके अंदर। MRP इसका 8999 है। हमारे पास में जो वेरिएंट है Redmi 3S Prime, 4G 3GB रैम विथ 32GB रोम, डार्क ग्रे। नीचे फिर एक बार मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और ये हो गया हमारा इसका स्पेसिफिकेशन। अब हम अपनी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे हैंडसेट की। टन टन, ये हो गया हमारा हैंडसेट। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जो यहाँ पे पहला जो पोर्ट दिया हुआ है वो है इसका प्राइमरी माइक। सेकंड नंबर पे जो इसमें जो दिया हुआ है वो माइक्रो यूएसबी केबल के लिए पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये दिया हुआ है सेकेंडरी माइक। ये है बहुत यूनिक प्रोडक्ट चीज़, जो वो है इसका IR ब्लास्टर। इस कीमत में IR ब्लास्टर देने वाला ये पहला फ़ोन होगा। ये है इसका 3.5 mm का जैक। पैक की अगर हम बात करें तो ये है इसका सिंगल LED फ्लैश लाइट, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे एक MI का लोगो है, कुछ अनोटेशंस हैं और ये है इसका स्पीकर। साइड व्यू की अगर हम बात करें तो ये है इसका पावर ऑन की, ये वॉल्यूम बटन्स हैं। यहाँ पे ये सिम स्लॉट और माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है। और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये इसका प्राइम सेकेंड फ्रंट कैमरा हो गया, ये इसका इनकॉल स्पीकर हो गया, यहाँ पे LED लाइट होती है और ये कुछ इसके नेविगेशन बटन हैं इसके तीन। अब जब तक ये ऑन होता है तब तक हम देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या आता है। यह है इसका लीफलेट, इसमें इसके यूज़र मैनुअल है और कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस मैनुअल हैं। साथ ही साथ इसके अंदर दी हुई है एक, वो है इसका सिम इजेक्टर पिन। इसका जो अडेप्टर है वो आता है 2 एम्पियर 5 वोल्ट के साथ में, नॉर्मल अडेप्टर की तरह ही है। और साथ ही साथ एक आती है इसकी माइक्रो USB केबल। सिम इजेक्टर पिन को हम देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ किया जाता है। सिम इजेक्टर पिन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जो सिंपल होल के अंदर इसको पुश करना होता है, ये सिम इजेक्टर पिन बाहर आ गया। सिम इजेक्टर के बाहर आते ही जो स्लॉट है ये, इसके अंदर आप 2 SIM लगा सकते हैं और यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इसको लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी रखनी होती है, बस ये डैमेज ना हो जाए। सिंपल इसको सिम को बैक की तरफ रखते हुए आप इसको पुश कर दीजिए, ये लग गया। हमारा हैंडसेट भी बूट हो चुका है। ऑन करते ही जो सबसे चीज़ जो बैकग्राउंड दिया हुआ है वो ब्लैक कलर के अंदर दिया हुआ है। और अब हम आते हैं सेटिंग के अंदर। अबाउट फोन, डिवाइस नेम Redmi, मॉडल नंबर Redmi 3S, एंड्रॉइड वर्जन 6.0.1 है जो सबसे लेटेस्ट है। मार्शमेलो दिया हुआ है इसके अंदर और यही इसकी सबसे खास चीज़ है कि मार्शमेलो अभी तक सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। MIUI 7 है इसके अंदर। CPU इसका ऑक्टा कोर है और रैम 3GB है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अवेलेबल रैम कितनी है। अवेलेबल रैम इज़ 1.9 GB, लगभग 2 GB तक की इसमें रैम अवेलेबल है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी आप इसमें एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो कैमरा क्वालिटी के लिए हम ये हमारा हैंडसेट आ जाएगा। और अब हम इसका एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, हालांकि जो लाइटनिंग है वो आर्टिफिशियल है। ये हमने फ़ोटो क्लिक किया और ये इसका फ़ोटो आया। फ़ोटो बहुत शानदार है, फोटो कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें हमसे तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।